हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों का आज ना पेपर था, आई होप सो कि आपका पेपर सबका अच्छा गया होगा। तो आज हम बच्चों डिस्कस करते हैं इसी ना पेपर के बारे में। तो हमारा पेपर था, हमारे पेपर का पहला क्वेश्चन, मतलब 26 क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सीएल माइनस ऑर्गन एंड सीए प्लस टू इज अफेक्टेड बाय। देखो सीएल माइनस ऑर्गन और आपका सीए प्लस टू, इसका साइज आपका किसके ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, आपको पहला ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया था आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ऐसा तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसा तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। बी ऑप्शन आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, बी आपका क्या है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था। सी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन 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 इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन की बात नहीं की थी। ठीक है, सी आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन इन आउटर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन इन आउटर, इन आउटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन 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 इन द आउटर, आउटर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। ठीक है, तो मैंने क्या बात किया था, देखो यहां पर मैंने बोला था बच्चों ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज मतलब ऑर्बिटल का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। मतलब मैंने आपको बोला था कि 1/z इफेक्टिव पे आपका होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर NO प्लस और O2, आपको क्या बोला है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। काउंट कर लेते हैं, इसमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 7 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, -1 की जगह -1, तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों, 14। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8, तो दो ऑक्सीजन में आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन। दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये मैंने बेसिक में ही पढ़ाया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयन, आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का सेट कौन सा होगा, देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर N3-O2-F- और यहाँ पर Na+, Na+ में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 11 होते हैं, प्लस की वजह से -1, यहाँ पर कितने होते हैं बच्चों, 9 होते हैं, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर क्या है बच्चों 16, और यहाँ पर आपके 8 होते हैं, 8 में अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो आपको कितना हो गया 10, यहाँ पर 7 होते हैं, 7 में मैंने तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इक्वल टू 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आईयूपीएसी आपका 119 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, 29-119 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है अन, ठीक है इसका भी क्या होगा अन, और इसका क्या होता है बच्चों आपका, इसको भी क्या होता है इन, तो नाम क्या होगा अन अन इनियम। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे इसके आगे वाले नाम से, तो UUE, इसका आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 29 का। अब 30 क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है, NaNaMg और एल्यूमिनियम, तो आपसे पूछा है, और क्या है यहाँ पर सिलिकन, आपसे पूछा है यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप लोग जानते हो बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा, अगर मैं कहाँ मूवमेंट करूंगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट, तो आपका साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी।
तो यहाँ पर देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन की ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर सोडियम की। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आपका एक्सेप्शन होता है, दिस इज अ ग्रुप सेकेंड एंड दिस इज अ ग्रुप 13, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड दिस इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट में आपका एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने की वजह से यहाँ पर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी आपका ग्रुप सेकेंड एलिमेंट का ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। तो हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कि Na का सबसे कम, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद Mg, Mg के बाद सिलिकॉन। तो आपका ऑर्डर यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वैल्यू कुछ बताया है कि Na, Mg और एल्यूमिनियम का क्या होगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली वैल्यू पूछा है। तो देख सकते हैं आप Na का सबसे ज्यादा, फर्स्ट ऑप्शन में Na, एल्यूमिनियम और Mg और सिलिकॉन। अब मुझे इसको अरेंज करना है, तो Na का हम बोल सकते हैं 496, एल्यूमिनियम का कम होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है Mg से, तो यहाँ पर Mg लिख देता हूँ पहले, Mg के हिसाब से बताया गया आंसर में, Mg का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा Mg का 737। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर आपका एल्यूमिनियम का इससे कम होगा तो इस वैल्यू से कम होगी, इस वैल्यू से कम कौन सी है, 577। नाउ सिलिकॉन की आपकी क्या है, 786। तो इसका ए ऑप्शन आपका ज्यादा करेक्ट होगा, आपको इसके हिसाब से अरेंज करना है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आप याद कर, वैल्यू को आपको याद नहीं करना है, आपको इसके हिसाब से वैल्यू को अरेंज करना है। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 31, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर क्या होता है, सिमिलर एटम के साथ जुड़ के, सिमिलर एटम के साथ क्या करेगा बच्चों, मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा और एक की क्या करेगा, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा। और लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, इसी की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैटिनेशन पावर। ठीक है, इसी की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन पावर। जनरली आपके सल्फर की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, फिर फॉस्फोरस, फिर आपके कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कार्बन सिलिकॉन, मतलब आपके ग्रुप में दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों डाउन द ग्रुप आपकी कैटिनेशन पावर डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप आपकी कैटिनेशन पावर डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब सीसी का कैटिनेशन पावर ज्यादा, फिर SiSi का, फिर आपका किसका, GeGe का। तो कैटिनेशन पावर का ऑर्डर आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका किसका होगा, कार्बन का, कार्बन के बाद आपका किसका होगा, कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपका जर्मेनियम। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील करेंगे बच्चों, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को 2 से 3 बार देख लेना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब 32 एलिमेंट एक्स टू वाई में जो कौन सा आपका रिप्रेजेंट, कौन सा आपका मतलब रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, देखो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों GE32। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, बिल्कुल करेक्ट है, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होगा। ये इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो यहां पर 33 में क्या बोला है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट। मतलब हम 2s ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी लोएस्ट किस में होगी, तो याद से समझना, पोटेशियम में 2s ऑर्बिटल आपका क्या होगा, 2s ऑर्बिटल आपका इनर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इनर ऑर्बिटल होगा, और यहां पर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अदर के हिसाब से ज्यादा होंगे, हाई होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इसमें हाई होगा तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव आपका क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा लगेगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो 2s इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड
करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। अब 2s इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी तो 2s ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो अट्रैक्शन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्शन पावर बढ़ने की वजह से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, और आप लोग जानते हो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम और रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लॉजिकल क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, इसका आंसर आएगा पोटेशियम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोलता है बच्चों, द एलिमेंट z इक्वल टू 120। अब ये कहां से रिलेट करेगा, 118 आपके कहां से, नोबल गैस। अब देखो नोबल गैस वहां आता है, नोबल गैस के बाद आपका कहां आता है, 119 करेंगे तो नोबल गैस के बाद एलिमेंट आपका यहां आएगा, यहां अगर एलिमेंट आएगा तो यहां पर होगा 119 आपका अल्कली मेटल। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, 118 सबसे कॉर्नर में, उसके बाद 119 आपका अल्कली मेटल होगा, और जेड इक्वल टू 120 आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, CO FCl Br आपका कौन सा होगा बच्चों, आपका Br आपका कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, Br आपका होगा यहां पर फोर्थ पीरियड, Cl आपका थर्ड पीरियड, ठीक है, ये आपका सेकेंड पीरियड, और ये भी आपका सेकेंड पीरियड, और ये भी आपका सेकेंड पीरियड। जनरली सेकेंड पीरियड एलिमेंट, जनरली आपका फोर्थ पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होगा फिफ्थ थर्ड पीरियड का, तो यहाँ पर Br का ज्यादा होगा इस कंपेयर टू क्लोरीन। ये तो क्लियर हो गया। अब इन सब में बच्चों एक ही पीरियड में आ रहा है, एक पीरियड में अगर मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल तो आपकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा फिर कार्बन के बाद फ्लोरीन, कार्बन के बाद देन ऑक्सीजन के बाद देन फ्लोरीन की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको ए बी दिया हुआ है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी और ये आपका ई। तो यहाँ पर ई का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका डी के बाद आपका किसका हो जाएगा बच्चों, ए का, ए के बाद आपका किसका हो जाएगा बी का, बी के बाद आपका किसका हो जाएगा सी का। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर CbA DE। वेरी गुड, ये आपका आंसर था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों यहाँ पर 36। द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस, सिमिलर एटॉमिक रेडियस बच्चों, आपको मैंने बताया था साइंस टीचर विनीता कपूर मनफेकोनी, अगर मैं इसी के नीचे लगाऊं, ये जरा नवाब मौत तक रूह रहेगी, पढ़ाई आगे करेंगे, फिर इसके बाद लाहफ का वर्णा रे। अब देखो ये आपका कौन से फोर्थ पीरियड का, ये आपका फिफ्थ पीरियड का। अब मैंने आपको बोला फोर्थ पीरियड का एलिमेंट का साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्थ पीरियड का साइज आपका क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। फोर्थ पीरियड एलिमेंट का साइज फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के इक्वल होता है, इसका मतलब मॉलिब्डेनम का साइज वेनेडियम के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। ये कोई इस टाइप का मैंने आपको थ्योरी बताया था, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 37 आपका क्या बोलता है बच्चों यहाँ पर 37, बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अजियर रिमूवल ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s। ठीक है, बोरॉन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो बोरोन का लिख लेते पहले 1s2, 2s2, 2p1। आप देखो s2 के इलेक्ट्रॉन को निकालना
काफी टफ होगा क्योंकि ये फुल फील्ड है, ये आपका हाफ फील्ड है, तो पी के इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट। देन अगला स्टेटमेंट क्या बोला है, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियाई बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट 2s। ठीक है, मतलब हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका काफी शील्डेड होगा, ये वाला शील्डेड होगा क्योंकि यहाँ पर छोटा और मेटल है, छोटा और मेटल है, और बोल सकते हैं कि s की शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, s की शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, शील्डिंग पावर ज्यादा होगी तो 2p इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा शील्डेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर शील्डेड कैपेसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था बेरिलियम और बेरिलियम और इसमें आपको है ना सिग्मा की स्लेटर वैल्यू भी निकाल सकते हो, स्लेटर कांस्टेंट या फिर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल के भी देख सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन है, इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियर 2s को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू 2p। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर भी आपका किसका मैक्सिमम होता है, s ऑर्बिटल का मैक्सिमम होता है। तो आप लोग जानते हो कि पेनिट्रेशन पावर s ऑर्बिटल का मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। ठीक है, बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। बेटा देखो यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जो थे टॉपिक वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बता रहे थे, फोर्थ ठीक है, फोर्थ में आपको क्या बोला है बोरॉन का ज्यादा होता है बेरिलियम से, ये क्या होता है नहीं होता है ना, बेरिलियम का ज्यादा होता है आपका बोरॉन से, तो ठीक है यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक। तो मैंने आपको 38 में लिखा था एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक आपका कौन सा होता है आप लोग जानते हो, Al2O3 आपका एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इसके बाद एसिडिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका एसिडिक होता है, तो देख लो नॉन मेटल का ऑक्साइड केवल और केवल बी और डी में दिया है, तो नॉन मेटल डी में बना रहा हो तो नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, फिर आपका मेटल का ऑक्साइड आपका क्या होता है बेसिक इन कैरेक्टर, तो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर देख सकते हो बच्चों ऑप्शन बी में आपका जो लास्ट है एम्फोटेरिक P4O10 आपका एम्फोटेरिक नहीं होता है, तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में हमको क्या करना है बच्चों कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल AB हैज अ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, 39 में देखो AB का बॉन्ड लेंथ आपका कितना है बच्चों, बॉन्ड लेंथ आपका है 1.61 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू दी गई है बच्चों कितनी, 0.38 दी गई। अब आपको बोला है फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ दिया है तो इसकी वजह से जो चार्ज है वो निकाल लेते हैं, q इक्वल टू म्यू बाई डी। अब सबसे पहले डीवाई को आप ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो इसको 10^-18। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.38 × 10^-18 / 1.61। एंड यहाँ पर क्या होता है ESU सेंटीमीटर, मैंने ये भी बताया था, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.61 × 10^-8 सेंटीमीटर, तो 10^-8 यहाँ पर आएगा ESU सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटीमीटर 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 कट गया, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो आपकी आपकी या तो ESU होती है या तो आपकी कूलम्ब होती है, तो यहाँ पर ESU में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.36 × 10^-11 ESU, ये मैंने लिख दिया वैल्यू यहां से। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कूलॉम से आपको आपको ESU में कन्वर्ट करना बताया था, कूलॉम में आपका 1.9 × 10^-19 कूलॉम, 1.6 × 10^-19 कूलॉम, और एक कूलॉम में आपका कितना होता है बच्चों, एक कूलॉम में होता है बच्चों आपका 3 × 10^+9 ESU, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8 ×
10 रेस टू पावर माइनस 10 ESU, ये आपका ESU में वैल्यू आ गई एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है और एक कूलम को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो आप लोग, इजीली देख सकते हो बच्चों अब आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके चार्ज में से इसके चार्ज को हम डिवाइड करेंगे, इसके चार्ज में से हम अब इसके चार्ज को डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, दो मिनट देखो, यहाँ पर Q बाई क्यू, इसको मैं लिख लेता हूँ Q, Q ए बी और मैं इसको Q इलेक्ट्रॉन, तो Q ए बी Q इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो आप, Q ए बी की वैल्यू 2.36 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है, तो फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है तो 100 मतलब परसेंटेज नहीं निकालना आपको, फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है, तो फ्रैक्शनल चार्ज के लिए 0.05। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग कोशिश करो, आप लोगों को आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, 40 का करेक्ट एटॉमिक रेडियाई, तो EU, CE, ND और HO। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेलिना प्रीटी ने डंडे से मारा टम्मी और सिमी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू। ठीक है, इधर टमाटर येलो ब्लू। अब देखो आप लोग बोल सकते हो बच्चों, यहां पर कौन कौन से दिए गए, ईयू दिया गया, सीई दिया गया, एनडी दिया गया और यहां पर एचओ दिया गया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि करेक्ट एटॉमिक रेडियाई, तो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर भी आपका वही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बाद एटॉमिक रेडियाई आपका घटता है, हाफ फिल्ड से पहले आपका एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, ईयू का। ठीक है, ईयू के बाद आपका किसका होगा, सीई का, सीई के बाद आपका एनडी का, एनडी के बाद आपका होगा एचयू का। थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, इस समय आपका एक्सेप्शनल क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपके वो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड और बैटल का कंसेप्ट लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या होगा बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे इजीली पूछ भी सकते हो बच्चों, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, द करेक्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, ठीक है मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन एंथैल्पी, लीना के रब से फरियाद। ठीक है, ये था हमारा, डाउन द ग्रुप जाएंगे, रब से फरियाद मतलब CS और FR, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि आपका चार्ज डेंसिटी कम होता है, तो मतलब हम बोल सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q by R को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। अगर आपकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो देखो सब पे सिमिलर चार्ज है, लेकिन अगर छोटा होगा मतलब रेडियाई अगर छोटा होगा तो आपकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, रेडियाई छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो किसका होगा, लिथियम प्लस वन का ज्यादा होगा, उसके बाद Na+1, उसके बाद K+1, उसके बाद Rb+1 और उसके बाद आपका Cs+1। तो इस तरीके से आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा बच्चों, जो कि आपका काफी इजी था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 42 बॉन्ड डिस्टेंस इन HF, HF का बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 9.17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, आपको डायपोल मोमेंट आपको कितना दिया गया है, म्यू इक्वल टू आपका दिया गया है 6.104 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, अब आयोनिक कैरेक्टर का आपको परसेंटेज निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करोगे, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू कैलकुलेटेड यहां पर म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल,
म्यू थियोरिटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। म्यू थियोरिटिकल हम किसके लिए निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो म्यू ऑब्जर्व तो आपको दिया गया है 6.04 × 10⁻³⁰ - 30। लेकिन अगर मैं म्यू ऑब्जर्व निकालूं तो इसको मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा। 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई बाय 9.17 × 10⁻¹⁰ - 11 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हमारा क्या वैल्यू ऑब्टेन होगा, 41.5। क्या वैल्यू ऑब्टेन होगा, 41.5। तो इसको इस तरीके से डील करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में करवाया हुआ है बच्चों, अगर आप कॉपी को एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दो मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई ऑफ द गिवन स्पीसीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। O2-N3-S2-P3-। अब देखो ये आपका थर्ड पीरियड का है, ये भी आपका थर्ड पीरियड का है, ये आपका सेकंड पीरियड का है, ये आपका कौन से है, सेकंड पीरियड का है, ठीक है, सेकंड पीरियड का है। ये सब आपके सेकंड पीरियड के, और आप लोग जानते हो थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड। तो आपका S-2 एंड P-3 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू N-3 और एंड O2-। अब देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें हम E अपॉन P का रेशियो लगा सकते हैं। E अपॉन P का रेशियो लगाएंगे तो P3- का ज्यादा होगा, देन आपका S-2, देन आपका N3- देन आपका O2-। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 44 क्वेश्चन, कंपैरिजन टू बोरोन एंड बेरिलियम हैज, आपको बोरोन और बेरिलियम का कंपैरिजन निकालना है क्वेश्चन नंबर 44। तो कैसे करेंगे, बोरोन और बेरिलियम का कंपैरिजन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, काफी इजी है। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। बेरिलियम हैज, बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम का आपका क्या होगा, बेरिलियम कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज, ठीक है। बोरोन का आपका बेरिलियम की कंपैरिजन में आपका बोरोन का क्या होता है, लेसर न्यूक्लियर चार्ज होगा, लेसर न्यूक्लियर चार्ज होगा, और लेसर न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से क्या होगा, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर क्या होगा, एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है, इन कंपैरिजन टू बोरोन एंड बेरिलियम हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज। बेरिलियम के पास आपका लेसर न्यूक्लियर चार्ज है और आपका ग्रेटर आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा होगा। क्यों होगा, आप लोग जानते हो बच्चों बी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरोन, और इसका सीधा सीधा रीजन क्या होता है, जेड इफेक्टिव, इस पर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा ज्यादा अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर लेसर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देख सकते हो, इस पर न्यूक्लियर चार्ज चार प्रोटोन का है और इस पर न्यूक्लियर चार्ज आपका 5 का है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूँ केवल। इस पर न्यूक्लियर चार्ज आपका 4 प्रोटोन का है, इस पर न्यूक्लियर चार्ज आपका 5 प्रोटोन का है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बेरिलियम में आपका कम होगा लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स। तो जेड इफेक्टिव की बात, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज आपका लेसर है, चार प्रोटोन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अ मिनिमम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर Fe बना दिया, Fe में आप लोगों ने अगर Fe+1, Fe+2, Fe+3, अब देखो यहां पर IE, यहां पर इसका कितना होगा D6, यहां पर 3D6 4S2, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, D6 4S1, यहां पर 3D6 4S0, यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3D5 4S0। अब हम बोल सकते हैं सिंपल कि ये देखो फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 3D5 में जा सकता है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड, डी आपका हाफ फील्ड होने की वजह से इस यहाँ पर आपके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों,
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे मैं अदर में बात कर लूं, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होगा, CO+1, CO+2, CO+3, इसके रीजन में कंपेरिजन कर लेते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या होगा 3D7 4S2, यहां पर 3D7 4S1, यहां पर 3D7 4S0, यहां पर क्या जाएगा 3D6 4S0, ठीक है, 3D6 4S0, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये तुरंत आपका अनस्टेबल था, अनस्टेबल से अगर स्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा, स्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा, तो ये फिनोमिना आपका फास्ट होगा। फास्ट होगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आपका कम होगा, एनर्जी कम होगा, इसलिए आपका ये फिनोमिना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था, फेरस आएगा इसका आंसर आयरन, तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल भी जाना पड़ेगा बच्चों पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन एन एटम इज, चलो ठीक है इसको हम देख लेते हैं बच्चों। तो 46 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आई ई की वैल्यू दी गई है कितनी, 275 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, और आपके ई ए की वैल्यू दी गई है 80 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, या तो आप किलो जूल में, ठीक है, कूलिंग स्केल पे निकालना है तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं आई ई की वैल्यू यहां पर किलो कैलोरी में, तो सबसे पहले दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, आई ई प्लस ई ए, दोनों को ऐड कर लिया, 275 प्लस 80, ठीक है। नाउ यहां से हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, किलो जूल में, किलो जूल में मतलब एक एक कैलोरी में कितने आपके होते हैं बच्चों, एक किलो कैलोरी में आपका कितना होगा, एक कैलोरी में आपका कितना होता है 4.2 जूल। तो अब हम मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 80, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.19, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 501510 किलो जूल, कुछ समथिंग ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसकी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना चाहूंगा पॉलिंग स्केल पे, तो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर अगर मैं पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालूंगा एक्स ऑफ पॉलिंग, तो क्या जाएगा ई ए प्लस ई, यहाँ पर कितना जाएगा 540, ठीक है, 540 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 540 से डिवाइड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.8, ठीक है, 2.8 का करेक्ट आंसर होगा। नाउ 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 78 एलिमेंट आपका कितना था बच्चों यहाँ पर प्लेटिनम का, और प्लेटिनम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, प्लेटिनम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, D10, 3D10, 4D10 और 5D9, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों आपके जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल डी इलेक्ट्रॉन पूछा ना, डी इलेक्ट्रॉन तो आपका 3D से स्टार्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका 3D भी मिलेगा, 4D भी फुलफिल मिलेगा, लेकिन 5D आपका क्या होगा बच्चों यहाँ पर 9 होगा, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 10 प्लस 10 प्लस 9 इक्वल टू 29 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन प्लेटिनम, 29 डी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन प्लेटिनम, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिलिथियम और सोडियम गिवे, ये दिया हुआ है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम का आपका कितना दिया हुआ है 5.4 और पोटेशियम का आपका कितना दिया हुआ है 4.3। अब आप जानते हो कि डोबेराइनर रूल से, डोबेराइनर रूल ने क्या बोला था, इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों के प्रॉपर्टी का एवरेज का हाफ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5.4 प्लस 4.3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5.4, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 9.7 डिवाइडेड बाय 2, और ये आंसर कितना आ जाएगा 4.97 आपका कब आएगा बच्चों यहाँ पर 4.9 के अप्रोक्स आंसर, ठीक है, इंटीजर में आएगा इसलिए, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.9, ठीक 4.9 मतलब 98 होगा ना, 98 मान लो तो 4.9 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 4.89 कुछ आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे 4.9
9, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या क्या बोला है, काउंट द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज विच हैव हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एटम देन सल्फर, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक, यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका इसका ही ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ फॉर ऑक्सीजन एटम दैट ऑफ सल्फर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपका इसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं आएगा। सेकंड अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पर कोवेलेंट रेडियस, तो रेडियस यहां पर रेडियस डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो कोवेलेंट रेडियस भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं बात कर लूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 48 है ना, क्वेश्चन नंबर 49, अब मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपका ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सल्फर, तो केवल और केवल दो ही एटम होंगे। ठीक है, नाउ 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा क्या बच्चों यहां पर, क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा यहां पर क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बोला है कि यहां पर एक्स गैस टू एक्स प्लस गैस, ठीक है, यह आपका आयोनाइजेशन एनर्जी वाला है, डेल्टा एच की वैल्यू 720 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 110 मिलीग्राम, ठीक है, और आपका यहाँ पर एटॉमिक वेट इसका दिया हुआ है 7 ग्राम। अब देखो 7 ग्राम हाँ पर मोल दिया हुआ है, लेकिन आपको 110 mg का निकालना है। ठीक है, तो 1 मोल का वेट कितना है, 7 ग्राम, तो हम बोल सकते हैं 7 ग्राम में, 7 ग्राम के लिए आपकी कितनी एनर्जी 720, तो 1 ग्राम के लिए कितनी लगेगी 720 डिवाइडेड बाय 7, और 1110 mg को हम क्या लिखेंगे 10^-3 के लिए आपको ग्राम के लिए आपकी कितनी लगेगी 720 डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, 1110 मिलीग्राम को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 1 इस देखो 7 में इतना लगेगा, 1 में इतना लगेगा, तो इसमें कितना लगेगा 720 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1110 इनटू 10^-3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों 11.3, 11.3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने यहां पर पेपर को डिस्कस किया है, और इस पेपर में बच्चों आप लोगों के कम से कम 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। अगर आपका 18 क्वेश्चन सही है तो आपका पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग है, और बाकी आपके यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इंटीजर में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, जो कि आपके काफी इजी थे। अब इस तरीके से ही आपका पेपर आएगा, आप खुद इसमें एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए थे, कितने मार्क्स नहीं आने चाहिए थे। तो ये तो था हमारा पेपर का सॉल्यूशन, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने पेपर के क्वेश्चंस को डील किया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।